ज़रूरी इज़ कि मैं और घूमूँ कहीं मार्केट में होते हैं, और कुछ जो कि यूपी साइड होता है कि जो लोकल थोड़े कुछ नेता होते हैं, उन गुंडे होते हैं, तो वो रेवी निकल रही थी और वो रंग वंग फेंक देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं मेरे साथ। तो गोमुख बोलते हैं कि ये गलत है और ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते, तो वो उनको बोलते हैं कि आप माफ़ी मांगिए और ये सब, बट वो गोमुख की पिटाई कर देते हैं खुलेआम, और वो मुझ पर भी मुझे भी छेड़ देते हैं, और आसपास के लोग कुछ बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, तो कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं गोमुख के और वो सब। तो वो सब चीज़ें एक ट्रोमा हो गया, बिकॉज़ इट्स अ वेरी, अगर लोकल ये चीज़ें हो तो बहुत आपको हिला देती हैं। सो या दिस इज़ द सीन बेसिकली। तो मयूरी अब क्या करेगी उस ट्रॉमा से निकालने के एक्चुअली बस वो ही इज़ अपसेट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेयर हिम अप टू आई एम ऑल्सो अपसेट विद द इंसिडेंट, बट वी आर जस्ट कोपिंग अप विद ईच अदर कि ठीक है चलो थोड़ा सा ठीक करते हैं चीज़ों को, एंड ही इज़ लिटिल अपसेट नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपन। सर न्यू ईयर आ रहा है तो आपके क्या न्यू ईयर प्लान्स हो गए हैं? चिड़ियाघर में क्या देखने मिलेगा न्यू ईयर? चिड़ियाघर में न्यू ईयर के लिए क्या देखने को मिलेगा? आई थिंक अभी हम लोग यही इमोशन स्टोरी कर रहे हैं, सो आई थिंक यही अभी चलने वाली है न्यू ईयर पे। बाकी एल्स न्यू ईयर पे क्या है वो मुझे अभी तक पता नहीं है, तो आई डोंट नो, बट पर्सनली आई एम टू सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर फॉर श्योर। सो अपने फैंस को न्यू ईयर विशेस। शफक नाज की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर एंड एन्जॉय, एंड आई होप ये साल में जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हों वो अच्छी रहें, और अगर कोई ख़राब चीज़ आपके साथ हुई है तो उससे सीखिए, और कोई मिस्टेक हुई है तो वो आगे मत कीजिए, एंड जस्ट बी हैप्पी और जस्ट कीप हार्ड वर्क। लव यू ऑल, थैंक यू।